हे गाइस गाइस, क्या आप जानते हैं कि DSLR कैमरास काले ही क्यों होते हैं? जो भी आप एरोप्लेन में बैठते हैं उस एरोप्लेन की खिड़कियां राउंड क्यों होती हैं? क्या आप जानते हैं कि जो आपका LPG का गैस सिलेंडर होता है उसमें नीचे ये छेद क्यों होते हैं? आपको ये पता है कि आपकी सिम कार्ड में एक कट क्यों होता है जो साइड से रहता है? तो आज ये ऐसे कुछ डेली लाइफ की चीजों के मैं फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि उनके क्या कारण है और वो क्यों ऐसे होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जानिए बहुत सारे ऐसे कारण जो आपको शायद ही पहले पता हो। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 158th एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। फैक्ट नंबर 10, ये जो आप चीज देख रहे हैं जो रोड पे ये लगी रहती है, इंडिया में ये रोड रिफ्लेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं कि जब आप लाइट थ्रो करते हैं तो आपको रोड का एक पाथवे दिखाने के लिए यूज होते हैं और ये एयरपोर्ट्स पर भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पर जापान में ये जब बारिश पड़ती है तो रोड पे जब ये लगे रहते हैं तो वहां पे ये वाटर को स्टोर कर देते हैं एंड लेटर ऑन बाद में ये रोड को स्पार्कली की तरह क्लीन करने में काम आते हैं। रोड क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसका ये कारण था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जब भी आप कोई भी गैस सिलेंडर को देखते हैं तो वो गैस सिलेंडर में नीचे होल्स होते हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि गैस सिलेंडर बहुत ही डेंजरस चीज हो जाती है और उसको हीट से बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब कभी भी आप कहीं पर भी उसको रखते हैं वहां पर नीचे का तापमान बढ़ता है और नीचे का जो तापमान, जो बेस का तापमान रहता है, वहां पे प्रेशर रहता है और वो तापमान को कम रखने के लिए वहां पे एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी हीट कम होती रहे। और अगर एयर पास होगी, ठंडी हवा पास होगी, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, बेस उसका कूल रहेगा और जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। गाइस, आप ये जानते हैं कि जो भी कैमरास फोन में होते हैं वो लैपटॉप पर ही क्यों होते हैं? बहुत सारे फोन कंपनीज पहले सेंटर में कैमरा दिया करते थे लेकिन फिर उन्होंने देना बंद कर दिया। आईफोन लेके आया लेफ्ट में कैमरा, और उसका रीजन क्या है? वो ये है कि जब लोग फोन यूज करते हैं तो उनकी फिंगर बार बार उसके पीछे टच होती है, फिंगर लगती है। उस वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि कैमरा खराब, क्लैरिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, सेंसर में प्रॉब्लम आ रहा था और कहीं ना कहीं कैमरा की क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी। उसका कारण ये कि जब आप फिंगर उसको ढक के रखेंगे, लगा के रखेंगे, स्क्रैचेस आ सकते हैं, सेंसर खराब हो सकता है। सो ये चीजें हो सकती है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर वहां पर दिया गया क्योंकि आपकी फिंगर वहां रहती है तो आप इजीली फिंगरप्रिंट स्कैनर से फोन को अनलॉक कर सकते हैं, वो बैक साइड पे, इसलिए ज्यादातर फोन्स में आने लग गए। क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन के जो भी विंडोज होती है वो एंड में कर्व शेप में क्यों होती है? उसका कारण ये है कि 1949 में कुछ प्लेन क्रैशेस हुए थे और उनका कारण ये माना गया था कि उनकी जो विंडोज हैं वो स्क्वायर थी। और अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो प्लेन इतनी तेज उड़ता है, एयर प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर की वजह से एक जगह पे, एक कॉर्नर पे प्रेशर होल्ड हो रहा था। उसका ये डर बैठ रहा था कि ये क्रैक होने की संभावनाएं उसकी बढ़ जा रही थी और क्रैश जब हुए तो उनका कारण यही सामने आया। इसीलिए उनको राउंड दिया जाता है ताकि एयर इजीली पास आउट हो जाए और वो एक जगह पे प्रेशर नहीं बनाए। क्या आप जानते हैं कि जितने भी DSLR कैमरास होते हैं वो ब्लैक कलर के ही क्यों होते हैं? इसके दो कारण है। पहला एक इमेज क्वालिटी, सेकेंडली एक साइकोलॉजिकल कारण है। पहला कारण ये है कि जब आप कोई भी कलरफुल चीज जो इतनी चटक कलर की हो, जैसे अगर येलो कलर हो, रेड कलर हो, तो आप उससे फोटो खींचेंगे तो रिफ्लेक्शन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो फोटो में रिफ्लेक्शन ना दिखे उस वजह से इसको ब्लैक कलर का बनाया जाता है क्योंकि ब्लैक में रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। उस वजह से इमेज क्वालिटी में उसका कलर आने लग जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। सेकंड चीज ये है कि जब आप पब्लिकली प्रोफेशनल फोटोग्राफी करेंगे और इतने बड़े-बड़े कैमरास जब वो लेके जाते हैं तो वो अलग-अलग कलर्स के होंगे तो लोगों का ध्यान उस पे जाएगा, लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाएगा और एक लाइमलाइट में आने वाली सिचुएशन बन जाएगी और उसके साथ-साथ जब लोग उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। सो ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिस वजह से कैमरास ब्लैक होते हैं ताकि लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं
जाए उस चीज पर। गाइस जो भी आप पार्टीज में और डीजेस को देखते हैं और बड़े बड़े ऑडिटोरियम में देखते हैं, वहां पे ब्लैक कलर के स्पीकर्स होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका ये है कि जो भी स्पीकर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बेस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है और हाई इंटेंसिटी के साथ होता है, और ब्लैक कलर साउंड के रिफ्लेक्शन को कम करता है। कोई और कलर होगा तो वो बढ़ जाएगा, और जब आप उसकी इंटेंसिटी महसूस करते हैं, जब आप बड़े बेस स्पीकर के सामने खड़े होते हैं, तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ती है, आपको फील होता है वो इंटेंसिटी से, वो फ्रीक्वेंसी फील होती है। साउंड तो आपको बाद में फील होगा, पर वो इंटेंसिटी आपको पहले फील होती है। तो उसका कारण यही है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, सेकेंडली उसका साउंड का रिफ्लेक्शन कम हो और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी नॉर्मलाइज रहे। नहीं तो कोई और कलर का होगा तो बहुत बढ़ जाएंगी और कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है उस चीज की वजह से। सो इसको ध्यान में रखते हुए, एको कम करते हुए, साउंड का रिफ्लेक्शन कम करते हुए, इसलिए स्पीकर्स को ब्लैक बनाया जाता है। गाइस आपको पता है कि नागपुर में एक ऐसी डायमंड क्रॉसिंग है जो वर्ल्ड में एक ही है, उसका नाम ही डायमंड क्रॉसिंग दिया गया है। वो कि क्यों? क्योंकि वहां पे चारों कॉर्नर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब दूर की ट्रेन की वो पटरियां क्रॉस होती है वहां पे, और वो एक डायमंड फॉर्म करता है, इसलिए उसको डायमंड क्रॉसिंग का नाम दिया गया है। क्या आप ये बात जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट करके बताइए। गाइस जो भी जीन्स रहते हैं और जीन्स के ऊपर ना ये चीज लगी रहती है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं आप? सो इसको ना रिवेट कहा जाता है, ये जो चीज लगी रहती है ना इसको रिवेट कहा जाता है। क्या आप ये बात पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। क्या आपको पता है कि जो भी सिम कार्ड्स होते हैं वो एक तरफ से कटे हुए क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है? सो एक जमाने में जब सिम कार्ड्स लॉन्च हुए थे, आए गए थे, तब वो फ्लैट हुआ करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट हुआ कर सकते, हर तरफ से कहीं से पे भी कट नहीं होता था, कार्ड के जैसे होते थे। तो लोगों को क्या कंफ्यूजन होने लगा है, वो गलत सलत तरीके से सिम कार्ड फोन में इंसर्ट कर देते थे। उस वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनीज में बार बार लोग जा रहे थे कि उनका फोन काम नहीं कर रहा है, सो वो लोग सही तरीके से उसको इंसर्ट करते थे। इसीलिए वहां पर एक कट कंपनीज ने देना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि इस फोन में अच्छा इस तरीके से सिम कार्ड डालना है। इसलिए आज आप जैसे ही सिम कार्ड को देखते हैं, आपको पता पड़ जाता है कि सिम कार्ड को किस तरीके से इंसर्ट करना है। क्यों कोई भी टू व्हीलर बाइक्स डीजल की नहीं होती है एंड पेट्रोल की होती है? इसका क्या कारण है? डीजल जो होता है वो बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इस हाई प्रेशर एनर्जी को कोई हैंडल करने के लिए किसी भी गाड़ी पे लगाने के लिए उसका वेट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर वेट नहीं बढ़ाएंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा। सो इसलिए डीजल इंजन थोड़े से हैवी हुआ करते हैं। लाइट रखेंगे तो कोई भी डीजल इंजन फट सकता है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है, और डीजल में वाइब्रेशन, साउंड और पॉल्यूशन ज्यादा होता है। सो कोई भी टू व्हीलर वाला ये नहीं चाहेगा जो बाइक चला रहा है कि उसमें ज्यादा वाइब्रेशन आए और ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो, जो कि इंजन का है। एग्जॉस्ट साउंड अलग होता है, इंजन साउंड अलग होता है, और वो ये भी नहीं चाहेगा कि पॉल्यूशन स्प्रेड हो। और डीजल इंजन पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। सीधी बात, अगर आप कार भी खरीदने आते हो तो डीजल कार्स महंगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 50-70-80 हजार 1 लाख रुपए से वो महंगे हो जाते हैं। तो कोई भी टू व्हीलर बाइक सेगमेंट में, टू व्हीलर सेगमेंट में अगर इंजन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। उस वजह से लोग ये नहीं चाहते हैं कि यार ये इतने ज्यादा महंगे हो। एक और बात आप मुझे बताइए, आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, आप अलग अलग प्रकार की लाइंस देखते हैं, कहीं स्ट्रेट होती हैं, कहीं ब्रेक होती है, और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अलग अलग पैटर्न्स की रोड पे लाइंस होती हैं, क्या आपको रीजन पता है कि ये क्यों होती हैं? और अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाकर देखिए कि इनका क्या रीजन है और ये क्यों अलग अलग होती हैं। मेरी एक और वीडियो बनाई हुई है, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो गाइस आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो। दिस इज वरुण ललानी साइनिंग ऑफ।